बिग बॉस 13 रशिम और सिद्धार्थ की बढ़ती नजदीकियों पर आया अरहान का बयान। कहा, नमस्कार। एक्ट्रेस रशिम दोसाई जो बिग बॉस 13 में अकेलेपन की वजह से बेहद दुखी नजर आ रही थी, आखिर एपिसोड में अपनी सबसे अच्छी दोस्त देवोलीना भट्टाचार्जी की एंट्री की वजह से खुश नजर आई। उन दोनों के बीच हाउसमेट्स और निश्चित रूप से अरहान खान के बारे में बहुत सारी बातें बताई। ये सब टेलीविजन की गोपी बहू द्वारा शुरू की गई एक बातचीत के दौरान हुआ, जब उसने रशिम को सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अपने रिश्ते को सुधारने के लिए कहा, जिससे रशिम इनकार करती और कहती कि वह उसके टाइप का नहीं है। देवो ने क्लासिक प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर सिद्धार्थ उनके टाइप के नहीं थे तो निश्चित रूप से अरहान भी नहीं है, जिससे रशिम सहमत नजर आती है। अब स्पोर्ट बॉय के साथ एक इंटरव्यू के दौरान अरहान ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा, रशिम ने ये नहीं बोला कि मैं अरहान से रिश्ता खत्म करूं तो लोग अपने मन से सोचना बंद करें प्लीज। उन्होंने कहा कि घर से बाहर आने के बाद वह मुझसे बात करेगी और ये उन्होंने तब भी कहा था जब मैं घर के अंदर था। हमारा रिश्ता इतना नाजुक नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से इमोशनली काफी अटैच हैं। मेरे घर से बाहर आने के बाद आप देख सकते हैं कि रश्मि काफी टूट गई है। इससे पता चलता है कि हम एक दूसरे के लिए कितना मायने रखते हैं। हम काफी समझ के साथ इस सिचुएशन को संभाल रहे हैं। हम घर के अंदर इस बारे में बात नहीं कर रहे। मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को क्यों ऐसी बातें करके उसका तमाशा बनाना है। इतना ही नहीं, उन्होंने शुक्ला के साथ अभिनेत्री की बढ़ती नजदीकियों के बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस बात को लेकर खुश है कि दोनों में अनावश्यक झगड़े नहीं होते हैं। आगे अरहान ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि वह अब अपना गेम खेल रही है। मैं घर के अंदर नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो बैठी रहेगी और रोती रहेगी। अगर वह खुद को सकारात्मक रूप से संभाल रही है तो क्या चाहूंगा, मुझे नहीं लगता कि उनके बीच कोई दोस्ती। सिद्धार्थ कॉमिक जोन में चल रहा है और रश्मि भी उन्हें वैसे ही दबाव दे रही है।